हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और ये प्रोजेक्ट आप अपने साइंस एग्जीबिशन के लिए ले सकते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट को बना के आप किसी भी अंधे लोगों को आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंधे लोग होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए एक और पर्सन की जरूरत रहता है जो उनको हाथ पकड़ के रास्ता दिखाता है। और इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट अंधे लोग अपने पास रखते हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए कोई दूसरा पर्सन उनके साथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट होगा अंधे लोगों के लिए एक स्मार्ट स्टिक। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लिया है और इसको आप ऑफलाइन मार्केट से आसानी से परचेस कर सकते हैं या फिर आपको ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक वाइब्रेशन मोटर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वाइब्रेशन मोटर लिया है और ये मैंने निकाला है स्मार्टफोन के अंदर से या फिर आप किसी भी टाइप के फोन के अंदर से इसको निकाल सकते हैं। और ये वाइब्रेशन मोटर मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद आपको एक आर्डिनो चाहिए होगा। आप किसी भी टाइप के आर्डिनो का यूज़ कर सकते हो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर आर्डिनो यूएनओ का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एक बजर चाहिए होगा और ये बजर आपको 10-15 रुपए में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर पे यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है। ग्राउंड का मतलब होता है निगेटिव। तो ये जो ग्रे कलर की वायर है इसको हम लगा देते हैं आर्डिनो के। यहाँ पर आप देखिए, इस साइड में जो पावर पिन आपको दिख रहा होगा, इस पावर पिन पे आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड का पिन्स दो है तो आप किसी भी एक पिन पे इसको सिंपली इस टाइप से लगा सकते हो। इसके बाद इस सेंसर को जो पॉजिटिव है, जो VCC का पिन है, ये जो रेड कलर का या फिर पिंक कलर का है, ये है इसका पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव को लगाना है। यहाँ पर आपको जो 5 वोल्ट का दिख रहा होगा, हमें इसको यहाँ पे इस टाइप से सिंपली कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें इस सेंसर से आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इको और ट्रिगर पिन, इन दोनों को हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर को लगा देते हैं। तो ट्रिगर के साथ ब्लू कलर का वायर अटैच है तो हमें इस ब्लू कलर की वायर को लगाना है डिजिटल पिन नंबर 13 पर। आप देखिए, डिजिटल पिन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा। सिंपली आपको इसे यहाँ पे लगा देना है इस टाइप से। इसके बाद इस पिन से जो इको का पिन आ रहा था, आप देखिए यहाँ पर इको का ग्रीन कलर का वायर है, इस वायर को हमें सिंपली लगा देना है। इसके बाद का जो पिन है, पिन नंबर 12, हमें इस पिन पे सिंपली इस टाइप से इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सेंसर का कनेक्शन हो गया है। अब हम वाइब्रेशन मोटर को कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस मोटर की पोलैरिटी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली इसका जो एक वायर है इसको लगा देना है यहाँ पर पिन नंबर 7 पे, डिजिटल पिन नंबर 7 पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है, इसका कोई सा भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। और इसके बाद आपको दूसरी वाली लगा देना है। यहाँ पर जो ग्राउंड आपको दिख रहा होगा, इस ग्राउंड वाले पिन से सिंपली आपको इसे कनेक्ट कर देना है। तो अगर कनेक्शन उल्टा हुआ तो कोई बात नहीं, जो मोटर है वो सिंपली उल्टा घूमेगा और वाइब्रेशन तो ये क्रिएट करेगा ही। इसके बाद हम बजर का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे बजर का पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये है बजर का पॉजिटिव। तो हमें बजर की जो पॉजिटिव है उसको लगाना है यहाँ पर डिजिटल पिन नंबर 6 के साथ। और इस बजर का जो नेगेटिव है उसको हमें लगा देना है आर्डिनो के ग्राउंड पिन। आप देखिए यहाँ पर एक और ग्राउंड पिन आपको दिख रहा होगा, इस ग्राउंड पिन पे बजर को इस टाइप से हमें सिंपली कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हमें इसे पावर देना है। तो यहाँ पर मैं पावर देने के लिए एक पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्डिनो में लाइट ग्लो कर रही है तो ये अभी ऑन हो चुका है। तो जब भी हम इस सेंसर के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल लेके जाएंगे तो ये बजर को ऑन कर देगा और ये वाइब्रेशन मोटर को भी तुरंत ऑन कर देगा। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं अपने हाथों को इस सेंसर के सामने लाता हूँ तो ये बजर और वाइब्रेशन मोटर को ऑन कर देता है इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, इस आर्डिनो को मैंने पहले से प्रोग्राम करके रखा है। अगर आपको इसका कोडिंग चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि इस वाइब्रेशन मोटर का क्या काम है इस प्रोजेक्ट पे। तो जैसे ही मैंने आपको कहा है पहले कि ये जो प्रोजेक्ट, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए एक स्टिक होगा। जब भी स्टिक के सामने कोई पर्सन आएगा या फिर कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो ये इसको डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म बजेगा। और मान लीजिए कि ये पर्सन अभी क्राउडी प्लेस में है, जैसे कि रेलवे स्टेशन या फिर मार्केट प्लेस में है, तो उनको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो ये जो वाइब्रेशन मोटर है वो हम इस स्टिक के हैंडल में लगा देंगे ताकि ये मोटर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और उनको पता चल जाएगा कि कोई ऑब्स्टिकल है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक UPVC पाइप लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है और यहाँ पर एक एल्बो है और इसके बाद एक लंबा सा एक स्टिक की तरह है और ये होगा इसकी हैंडल जहाँ पर ब्लाइंड पर्सन इसको कैच करेगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं इन सारी कंपोनेंट्स को इस स्टिक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पावर बैंक का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। मैं एक छोटा सा 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करूँगा और आर्डिनो को हम यहाँ पर लगा देंगे इस स्टिक पर। और ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसको हम यही कहीं नीचे की साइड से थोड़ा ऊपर यहाँ पर शायद हम फिट कर देंगे इसको।
और मैं जल्दी से इन सारी चीज़ों को फिट कर देता हूँ। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सब कुछ आपको वीडियो में दिखाने लगूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जल्दी से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए, और मैं आपको वीडियो में शो करूँगा कि मैं किस टाइप से कहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसका कोडिंग आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आर्डिनो नैनो का यूज़ करते हैं तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होगा। और ये जो आर्डिनो यूएनओ है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए बाहर आ गया। अगर आप नैनो का यूज़ करते हो तो ये पाइप के अंदर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्विच लगाया हुआ है ताकि हम इसको ऑन ऑफ कर पाए। और यहाँ पर 9 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ यहाँ पर एक वाइब्रेशन मोटर है, और यहाँ पर मैंने 4 लंबा वायर्स लगा दिए हैं, और इसके साथ यहाँ पर है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये सिर्फ ऑब्स्टेकल को नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ों को ये डिटेक्ट करेगा, जैसे कि अगर सामने पानी है, कीचड़, गड्ढा या फिर ऐसा कोई सा भी चीज़ सामने हो तो ये बता देगा डिटेक्ट करके, और वो भी वॉइस में बताएगा। और भी चीज़ें ये डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर सामने सीढ़ी है तो ये आपको बता देगा कि सामने सीढ़ी है, और वो भी अपस्टेयर या फिर डाउनस्टेयर है, ये सीढ़ी नीचे की ओर जा रहा है या फिर ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी आपको बता देगा वॉइस में। और क्या मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।